इस वक्त की खबर सामने आ रही है, अतिक्रमण हटाने पर दुकानदार भड़के हैं। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया है। राजराजेश्वर मंदिर मार्ग पर अभियान चला, दल के दुकानदारों से तीखी तकरार हो चुकी है। दल ने सख्ती से अतिक्रमण हटवाया है, विरोध पर भी नहीं थमे बुलडोजर। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुटते हैं अपने संवाददाता आदर्श शर्मा के साथ। जी आदर्श, ये जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है कब से चला है? जी आचल, जिस तरीके से बता दूं, सावन का महीना आ गया है और जिस तरीके से सावन का महीना आगरा वासी के लिए विशेष इसलिए रहता है कि चारों कोनों पर भगवान के शिवालय मौजूद हैं और जहाँ पर बड़े उत्सव के साथ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते मेले आयोजन होने पर लोग रोडों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसके लिए नगर निगम लगातार अभियान चला रहा है और कुछ दिन पहले नगर आयुक्त ने इसे लेकर निरीक्षण किया था कि जो अतिक्रमण लग रहा है उसे हटाया जाए और जो कांवड़ के लिए जो यात्री हैं, कांवड़ यात्री हैं, उन्हें जो कोई परेशानी ना हो, रोड वगैरह हो, वो सारी दुरुस्त कर दिए जाए, गड्ढे वड्ढे मुक्त कर दिए जाए, जिसे लेकर तमाम साफ सफाई के निर्देश नगर आयुक्त द्वारा दिए गए थे। और जिस तरीके से देखा जाए तो निरीक्षण के दिन भी अतिक्रमण अभियान बलकेश्वर मंदिर पर चला था। हम बात करें तो अब राजेश्वर मंदिर पर 22 तारीख को मेला है, जिसे लेकर निरीक्षण किया गया और वहां पे देखा गया कि काफी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे लेकर प्रवर्तन दल ने अब वहां से अतिक्रमण हटाया है, जिस पर लोगों ने काफी वहां पर विरोध भी किया था, मगर प्रवर्तन दल के सामने उनकी एक ना चली और अतिक्रमण के साथ कई ठेले और ढकेलों को वहां से हटाया गया है। जी आचल, जी आदर्श, ये अतिक्रमण अभियान जो है वो किसकी श्रेय से चल रहा है, किसके पीछे हाथ है इसका? जी आचल, जिस तरीके से देखो ये अतिक्रमण लगातार शहर में लोग कर लेते हैं, मगर ये मेला है, मेले के चलते लोग अपने जो स्टॉल्स हैं, जो खाने पीने की चीजें होती हैं या मेले के झूले होते हैं, उन्हें रोडों पर लगा लेते हैं, जिसकी तरह से जो सावन के महीने में जो परिक्रमा निकलेगी या फिर शिवालयों में जो आराध्य पहुंचते हैं तो उन्हें काफी परेशानियां होती हैं, तो उन्हीं के एक तरीके से देख लिया जाए तो उनके लिए बिक्री से लोग अपने रोजगार के लिए दुकानों को जो रोडों पर लगा लेते हैं, मगर ये अस्थायी रूप से होते हैं, मगर इन्हें अतिक्रमण की वजह से लोगों को परेशानी भी होती है, काफी जाम की स्थिति मिलती है, लोगों को घंटों तक जाम में जूझना पड़ता है। इसके लिए नगर आयुक्त के साथ निर्देश है और प्रवर्तन दल इसे फिलहाल हटाने में जुट गया है और सावन के महीने में सिर्फ भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके तरफ से नगर निगम पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए चाक चौवन व्यवस्था में जुटा हुआ है। जी आंचल, आदर्श, कितनी और जगहों से अतिक्रमण हटवाया गया है? जी अभी तो देखो, जिस तरीके से निरीक्षण किया था तो बलकेश्वर मंदिर पर हटाया गया, अब राजेश्वर मंदिर पर पहला मेला जो पहला सोमवार है जो सावन का, उस पर राजेश्वर मंदिर पर मेला लगेगा, तो राजेश्वर मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाया गया है। और अगर हम बात करें तो आगरा के चार प्रमुख मंदिर हैं जो कि राजेश्वर, बलकेश्वर और कैलाश मंदिर और पृथ्वीनाथ मंदिर। पहला जो मेला होता है वो राजेश्वर मंदिर का होता है, जिसके चलते राजेश्वर मंदिर पर अभी अतिक्रमण हटाया गया। दूसरा जो मेला होगा वो बलकेश्वर का होता है, तो उस पर भी अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा। तीसरा जो मेला पृथ्वीनाथ मंदिर का है, तो वहाँ पे जो पृथ्वीनाथ मंदिर पर भी अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिस तरीके से चारों प्रमुख मंदिर हैं जो क्रम बाई क्रम जिस तरीके से मेले आते हैं, उससे पहले इन चारों मंदिरों पर अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे शिवालयों पर सिर्फ भक्त को परेशानी ना हो, कांवड़ यात्री भी बड़ी संख्या में सावन के महीने में जो शिवालयों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उन्हें काफी परेशानी होती है, तो नगर आयुक्त से और जिला प्रशासन से साफ तौर पर निर्देश है कि कोई भी परेशानी उन्हें ना हो, जिससे संबंधित जो कदम उठाए जा रहे हैं वो जो कांवड़ यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, उन्हें उनकी परेशानियों को देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए हैं। नगर आयुक्त लगातार इन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और निरीक्षण लगातार सभी अधिकारी संबंधित अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं इसे लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श आपका जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार भड़क गए हैं। नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पर जो है जोर दे रही है। राजराजेश्वर मंदिर मार्ग पर अभियान चलाया जा रहा है। दल की दुकानदारों से तीखी बहस भी हुई है इस बात को लेकर। दल ने सख्ती से अतिक्रमण हटवा है, विरोध पर नहीं बुलडोजर को नहीं रोका गया है। अतिक्रमण से रोज लगातार जो है अतिक्रमण की वजह से वहां पर रोज जाम लग रहा था। नगर आयुक्त ने दौरा कर हालात जाने हैं। नगर आयुक्त से लोगों ने इसकी शिकायत भी की है।
जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने पर जो दुकानदार है वो काफी जो है भड़क चुके हैं। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चला रखा है ताकि जो सावन के माह में चार सोमवार है उनको, जो कावड़ी उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर अतिक्रमण अभियान लगातार जारी है। इसको लेकर दुकानदार काफी भड़के हुए हैं। राजराजेश्वर मंदिर पर अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण से रोज जाम की स्थिति वहां पर पैदा हो जाती थी। नगर आयुक्त ने दौरा कर हालात जाने हैं। नगर आयुक्त से इस बात की लोगों ने शिकायत भी की है।